आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट से मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस देखेंगे। वैसे तो गैसेस के बहुत सारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं, हालांकि हम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम सबसे इम्पॉर्टेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस देखेंगे, लाइक मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड डिफ्यूजन। आज के लेक्चर में तो सिर्फ हम तीन कवर करेंगे, मास, वॉल्यूम और प्रेशर को। प्रेशर में बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। आप जब आपके खुद के नोट्स बना रहे हो तो उसको एक हफ्ते के अंदर फिर एक बार रिवाइज करो, तो आपको एग्ज़ाम्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा। देखो, मास, जनरली मास को हमने मोल कंसेप्ट टॉपिक में देखा है या फिर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टॉपिक में देखा है। गैस का अमाउंट ऑफ गैस और मास ऑफ गैस हम कैसे देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं मास ऑफ गैस। जिस कंटेनर में हमने गैस को भर के रखा है उसका उसका वेट लेंगे, दैट इज द वेट ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द गैस। और जब हम गैस को उस कंटेनर से रिमूव करेंगे, व्हेन वी रिमूव ऑल द गैस फ्रॉम दैट कंटेनर, उसका भी हम वेट करेंगे, वेट ऑफ द कंटेनर आफ्टर रिमूविंग ऑल द गैस। देन डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द गैस एंड वेट ऑफ कंटेनर आफ्टर रिमूविंग ऑल द गैस इज द वेट ऑफ दैट गैस। लेकिन ये प्रैक्टिकली हर बार पॉसिबल नहीं, एग्जाम्स में हम ये ऐसा नहीं कर सकते, वेट लेंगे बाद में उसको निकाल लेंगे। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू हम मास ऑफ गैस एक तो किलोग्राम में लेते हैं, एसआईएनटी ऑफ गैस इज किलोग्राम, एसआईएनटी ऑफ मास इज किलोग्राम। बहुत बार उसे हम ग्राम्स में भी एक्सप्रेस करते हैं मास को। और ऑफनली और कॉमनली मास ऑफ गैस ऑल्सो एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ मोल्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन मालूम है किलोग्राम और ग्राम के बीच में, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम या फिर 10^3 ग्राम। अगर हमें नंबर ऑफ मोल और ग्राम या फिर नंबर ऑफ मोल या फिर किलोग्राम देखना है तो हमें मालूम होना चाहिए मोल ट्रायंगल फ्रॉम मोल कंसेप्ट या फिर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वी नो दैट मोल, मोल का शॉर्ट नोट होता है एन, नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पे लेंगे हम मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस का नोटेशन है स्मॉल एम, और स्मॉल एम मास ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ मोल एन, इसका रिलेशन होता है एन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम होता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल O2, इट इज द मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इट्स मोलर मास बिकम फॉर वन ऑक्सीजन एटम, इट्स एटॉमिक मास इज 16 AMU। हम इसे ग्राम एटॉमिक मास में 16 ग्राम लेंगे। अनदर ऑप्शन का फिर एक बार 16, इसका मोलर मास आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। अगर हम CO2 के बारे में जानेंगे तो कार्बन का 12 एटॉमिक मास है, दो ऑप्शन का मिला के 32 हो जाएगा और इसका मोलर मास आएगा 44 ग्राम पर मोल। इसलिए हम मास ऑफ गैस एंड मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, इसका रिलेशन देखेंगे कैसे। अगर हमें नंबर ऑफ मोल का कन्वर्जन मास ऑफ गैस में करना हो तो नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास। अगर हमें मास ऑफ गैस गिवन हो, दिया गया हो और हमें कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो इट इज मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास या फिर मोलिकुलर मास। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने स्टेट्स ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट में देखे। इसके बाद हम इसका रिलेशन वॉल्यूम से भी देख सकते हैं या फिर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से भी देख सकते हैं। एक बार हम रिवाइज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस वी नो दैट एनी गैस और वन मोल ऑफ एनी गैस ऑलवेज कंटेन 22.414 लीटर्स ऑफ द गैस। एक मोल अगर हम किसी भी गैस का लेंगे तो उसका वॉल्यूम होता है 22.414 लीटर, लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल का कन्वर्जन
वॉल्यूम में करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 22.414, अप्रोक्सीमेटली हम 22.4 भी ले सकते हैं। और अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो गैस का और उसका कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल में करना है तो इट इज डिवाइडेड बाय 22.414। देखो उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इफ यू आर प्रोवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स, और अगर हमें जानना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम एटम्स भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दैट न्यूमेरिकल, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल या फिर मॉलिक्यूल और एटम। इफ यू आर प्रोवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स, और हमें जानना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.022 × 10³ पार्टिकल्स। और इफ वी आर प्रोवाइडेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, देन इट इज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब कोरिलेशन समझ में आ रहा है? देखो इसके बाद हम सेकेंड मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस देखेंगे और उसका नाम है वॉल्यूम। वैसे तो हमें मालूम है गैस कैन ऑक्यूपाई होल द वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। गैस को हमने जिस कंटेनर में भर के रखा है उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम वो गैस ऑक्यूपाई करता है। तो इसलिए हमें गैस का वॉल्यूम मेजर करना हो तो हमें कंटेनर का वॉल्यूम मेजर करना जरूरी है। उसका नंबर ऑफ मोल से कुछ रिलेशन है क्या? तो देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल ऑफ गैस कंटेन्स 22.414 लीटर्स ऑफ गैस। अगर हम 2 मोल ऑफ अगर हाइड्रोजन लेंगे और इस 2 dm³ वाले वॉल्यूम कंटेनर में रखेंगे, एट दैट टाइम द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 2 dm³। अगर उसी हाइड्रोजन को हम बड़े वाले कंटेनर में भर के रखेंगे, इसका वॉल्यूम होगा सपोज 10 dm³। अगेन इट कैन एक्वायर्स द होल वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर। इसलिए हमें गैस का वॉल्यूम निकालने के लिए कंटेनर का वॉल्यूम मालूम होना जरूरी है। और वॉल्यूम का SI यूनिट होता है m³। However, m³ is very very large term. मीटर क्यूब बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए generally it is volume is expressed in dm³। Dm the 10th short part of meter, यानी कि 10 cm। 1 meter का होता है 100 cm, decimeter हो गया 10 cm, और 10 cm का क्यूब यानी कि हो गया dm³। हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं वॉल्यूम को dm³ में, और 1 dm³ इज इक्वल टू 1 liter आल्सो, और समटाइम्स इट आल्सो एक्सप्रेस इन cm³। और 1 cm³ यानी कि एक हाइट 1 cm, लेंथ 1 cm, और ब्रेड्थ भी आल्सो 1 cm। इसको हम मिलीलीटर भी बोल सकते हैं, और समटाइम्स इट आल्सो कॉल्ड क्यूबिक सेंटीमीटर, cc भी बोलते हैं। अगर इसके बीच का रिलेशन हमें जानना हो तो 1 m³ इज इक्वल टू 1000 liter या फिर 1000 dm³ भी बोल सकते हैं, और इसी यूनिट को हम 10³ liter भी बोल सकते हैं। और वी ऑल्सो नो दैट 1 liter इज इक्वल टू 1000 ml या फिर 10³ ml या फिर 10³ cm³। लाइक 1 m³ इज इक्वल टू हाउ मेनी cm³ और हाउ मेनी ml, देन इट इज इक्वल टू 10⁶ cm³। दैट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म मानी जा रही है प्रेशर। प्रेशर के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, हमें देखना है कि
हाउ टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ टू मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस, और वो एम एम ऑफ एच जी क्या होता है, सी एम ऑफ एच जी क्या होता है, मर्क्यूरी ही क्यों, एच जी ही क्यों है, देन अगर हम डेफिनेशन देखेंगे प्रेशर ऑफ गैस के बारे में, प्रेशर ऑफ गैस, तो हमें ये मालूम है, हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में कि गैस कैन एग्जर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन ऑल डायरेक्शंस इन विच ऑन ऑल वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कन्फाइंड, जिस कंटेनर में गैस को हमने प्लेस किया है उस कंटेनर के सभी वॉल्स के ऊपर गैस इक्वली यूनिफॉर्म प्रेशर एग्जर्ट करता है, हेंस द फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज एन प्रेशर ऑफ गैस, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस, गैस जो प्रेशर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो कंटेनर के वॉल्स के ऊपर वो भी यूनिफॉर्म है, इट इज पर यूनिट एरिया दैट फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ द गैस। उसके बाद हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी नो दैट आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय नियरली या फिर अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर ऑफ थीक ब्लैंकेट ऑफ एयर, आवर अर्थ सरफेस इज सराउंडेड बाय नियरली 800 किलोमीटर थीक ब्लैंकेट ऑफ एयर, हमारा अर्थ का अर्थ के सरफेस के ऊपर इस एयर का सराउंडिंग 800 किलोमीटर तक है, और दैट एयर इज पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ बाय ग्रेविटेशन, दैट एयर सपोज इट इज द आवर अर्थ एंड दैट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर नियरली 800 किलोमीटर एंड दैट एयर इज सराउंडेड टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड दैट दस द फोर्स exerted by atmospheric air on surface of earth is called as an atmospheric pressure, the force exerted by the atmospheric air on surface of earth is called as an atmospheric pressure। उसके बाद हम देखेंगे how to measure the atmospheric pressure, atmospheric pressure को हम कैसे measure करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर। हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज मेजर्ड बाय स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज मर्क्यूरी बैरोमीटर। A simple barometer is constructed by using a glass tube with a height of 80 centimeter, ऐसे हम अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो it becomes 800 millimeter। हम इस पूरे glass tube को मर्क्यूरी से भर देंगे, लिक्विड मर्क्यूरी, देन लिक्विड मर्क्यूरी जो होता है, लिक्विड मर्क्यूरी का जो स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है, लिक्विड मर्क्यूरी की स्टैंडर्ड डेंसिटी इट बिकम्स 13.59। इसकी स्टैंडर्ड जो डेंसिटी होती है वो होती है 13.5961 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सीएम क्यूब।
इसकी जरूरत क्या है हमें आगे मालूम हो जाएगा। इट इज अ सिंपल ग्लास ट्यूब विथ हाइट 80 सेंटीमीटर, इट इज फुल फिल्ड विथ द मर्क्यूरी विथ डेंसिटी 13.5961 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन इट इज सिंपल कंटेनर, ओपन कंटेनर कंटेनिंग मर्क्यूरी इन इट, इसके अंदर भी मर्क्यूरी है। देन केयरफुली केयरफुली प्लेस द ग्लास ट्यूब इन दैट ओपन कंटेनर कंटेनिंग मर्क्यूरी बट इन इन्वर्टेड पोजिशन। इस ग्लास ट्यूब को जिसमें हमने पूरा मर्क्यूरी भर रखा है उसको इन्वर्टेड पोजिशन में इस ओपन कंटेनर में केयरफुली प्लेस करना है। तो डायग्राम ऐसे आ जाएगी। और हम जब ये ग्लास ट्यूब इसमें इन्वर्ट पोजीशन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो मर्क्यूरी है ग्लास ट्यूब में, इसके ऊपर प्रेशर ग्लास ट्यूब का प्रेशर है, इसके ऊपर क्या है ग्लास ट्यूब का प्रेशर है, और जो मर्क्यूरी ओपन कंटेनर में है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है। द मर्क्यूरी इन द ओपन कंटेनर इज सब्जेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और द मर्क्यूरी प्रेजेंट इन ग्लास ट्यूब इज सब्जेक्टेड बाय द प्रेशर बाय दैट ग्लास ट्यूब। इसमें क्या आ रहा है ग्लास ट्यूब का प्रेशर वर्क कर रहा है, इसमें मर्क्यूरी भर के रखा है हमने। देन होता क्या है, आफ्टर द प्लेसिंग द ग्लास ट्यूब इन इन्वर्टेड पोजिशन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, मर्क्यूरी की लेवल डिक्रीज हो रही है, बट होल मर्क्यूरी कैनॉट रन आउट, पूरा मर्क्यूरी इस ओपन कंटेनर में नहीं आता है, क्योंकि द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डिक्रीजेस टिल, ये कब तक लेवल कम होता है, टिल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज ऑन द मर्क्यूरी प्रेजेंट इन ओपन कंटेनर व्हेन बिकम्स इक्वल टू प्रेशर ऑन मर्क्यूरी इनसाइड द ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के अंदर जो मर्क्यूरी है उसके ऊपर ग्लास ट्यूब का प्रेशर है, ये प्रेशर और इसके ऊपर वर्क कर रहा हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल आ जाएगा तब ये मर्क्यूरी उससे नीचे नहीं आ जाएगी, वहां पे रुकेगी, और दैट्स व्हाई इट इज होल मर्क्यूरी कैन नॉट रन आउट। और इसकी हाइट अगर हम इस मर्क्यूरी की डेंसिटी स्टैंडर्ड डेंसिटी 13.5961 और इसकी स्टैंडर्ड ग्रेविटी जो होती है मर्क्यूरी की वो होते 980.665, मर्क्यूरी की स्टैंडर्ड जो ग्रेविटी होती है स्टैंडर्ड ग्रेविटी वो 980.66 होती है, इट इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अगर जो मर्क्यूरी ग्लास ट्यूब में भर के रखा है उसकी डेंसिटी 13.5961 हो और स्टैंडर्ड ग्रेविटी 980.66 हो तो ये जो हाइट आ रही है तो हाइट है इट इज 76 सेंटीमीटर या फिर इट इज इक्वल टू 760 mm। और हम ये भी देखेंगे अगर हम मर्क्यूरी के बदले कुछ अलग लिक्विड लेंगे तो क्या हो सकता है। मर्क्यूरी हाईली डेंस भी है एज कंपेयर टू वाटर, अगर हम लेस डेंस लिक्विड लेंगे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड हाइट ऑफ द ग्लास ट्यूब इज इनवर्स रिलेटेड। जितनी डेंसिटी इस लिक्विड की कम लेंगे, लिक्विड टू बी टेकन इन द ग्लास ट्यूब या फिर ओपन कंटेनर विथ शॉर्ट डेंसिटी द हाइट ऑफ द ग्लास ट्यूब विल बिकम मोर एंड मोर रिक्वायर्ड। इसकी डेंसिटी अगर कम होगी तो ग्लास ट्यूब की हाइट बढ़ने लगेगी और हमें हैंडल करने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए 80 सेंटीमीटर हाइट वाला ग्लास ट्यूब हमें हैंडल करने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम ऐसा लिक्विड लेंगे कि जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो या फिर मर्क्यूरी से कम हो तो इस ग्लास ट्यूब की हाइट ज़्यादा लेनी चाहिए विच इज़ नॉट ईजी टू हैंडल। और उसके बाद अगर ऐसा लिक्विड लेंगे कि
विच इज मोर वोलाटाइल, अगर मोर वोलाटाइल लिक्विड हो, मर्क्यूरी इज नॉन वोलाटाइल एट 0 डिग्री सेल्सियस, मर्क्यूरी 0 डिग्री सेल्सियस पर वोलाटाइल नहीं है, और ये सभी एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेंसिटी मर्क्यूरी के में मालूम है, स्टैंडर्ड ग्रेविटी मालूम है, तो ये हाइट कितनी आ रही है, 760 सेंटीमीटर या फिर 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे परफेक्ट क्या है, वैक्यूम है। अगर हम मोर वोलाटाइल लिक्विड लेते तो वो लिक्विड वोलाटाइल हो जाता, और इस प्लेस में वैक्यूम के बदले कुछ वेपर्स आ जाते उस लिक्विड के, और उसका भी प्रेशर हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता। यहाँ पे किसी भी प्रकार का वेपर प्रेशर नहीं है, बिकॉज मर्क्यूरी इज नॉन वोलाटाइल एट 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, यानी कि मर्क्यूरी नॉन वोलाटाइल है, इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर है वो 0 प्रेशर है, बिकॉज इट इज परफेक्टली वैक्यूम। अगर हम मोर वोलाटाइल लिक्विड लेते तो यहाँ पे भी कुछ प्रेशर बन जाता ड्यू टू इट्स वेपर, ड्यू टू इट्स मोर वोलाटाइल फॉर्म। देयरफॉर मर्क्यूरी इज वेरी वेरी स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या बोलते हैं, 760 सेंटीमीटर ऑफ HG, या फिर हम बोलते हैं 760 mm ऑफ HG। समझ में आ रहा है क्या? देन उसके बाद अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट कि हाउ टू डिफाइन द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इट इज नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ HG। इट इज प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड डिक्रीज, वो बदल सकता है, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स के लिए या फिर अप्रोक्सीमेटली हम कन्फर्म वैल्यू क्या लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ HG। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, और प्रेशर के यूनिट्स तो आप परफेक्टली याद करो। और देखो ये जो सब प्रेशर हमने हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम में देखा था, उसे हम कन्वर्ट करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया में, इसे हम कन्वर्ट करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया में। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये भी मालूम है कि फोर्स, एफ भी बोल सकते हैं हम इसे, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम जी भी बोलेंगे, मास देखो स्मॉल एम इनटू एक्सेलरेशन। By putting the value of force is equal to mass into acceleration in this equation, we get pressure is equal to mass into acceleration divided by area को हम a मानेंगे। अगर हम mass के बारे में और कुछ जानते हैं तो क्या, we know the relation of density, density is equal to mass upon volume, तो आप बताओ mass क्या हो जाएगा, then therefore mass becomes density into volume, by putting the value of mass is equal to density to volume in this equation, pressure is equal to density into volume into gravity divided by area। अगर हम volume के बारे में जानेंगे, अगर आप syringe लो, injection की syringe, तो वो piston उसका area वो कितनी height cover करता है, यानी कि area and the height is the volume, एरिया एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, वी नो दैट वॉल्यूम यानी कि एरिया इंटू हाइट, बाय पुटिंग अगेन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट इन द दिस इक्वेशन, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी, इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाई एरिया, बाई कैंसलिंग द एरिया एरिया, द प्रेशर इज इक्वल टू DHG बोलो या फिर HDG बोलो, HDG। अभी हमने डेंसिटी और ग्रेविटी के बारे में देखा है। देखो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड
as the pressure that will support a column of 76 centimeter according to international agreement. One atmospheric pressure is defined as the column which supports a height of the pressure that would supports the height of 76 centimeter at 0 degree Celsius having the density of mercury. Dekho mercury ki density kitni aa rahi, density of mercury. Now it becomes dekho abhi abhi humne yaad kiya hai density of mercury yahan pe likha tha. Density of mercury, the standard density of mercury is 13.5961 gram per centimeter cube. Or what is the standard gravity of that mercury? Standard gravity of mercury 980.66 centimeter per second square. One atmosphere is defined as pressure that will support a column of height 76 centimeter at 0 degree Celsius, mercury having a density 13.5961 gram per cm cube, and gravity of that mercury or standard gravity is 980.66 centimeter per second square. That is the one atmospheric pressure. Hum kya dekh rahe hain ki atmospheric pressure har jagah कॉन्स्टेंट नहीं होता है, इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. उसके बाद हम बहुत सारे यूनिट्स होते हैं प्रेशर के. हम यूनिट्स के बारे में अगर देखेंगे तो ये जो हमने HDG देखे, HDG, अगर ये तीनों वैल्यूज SI यूनिट में होंगे, हाइट SI यूनिट में, डेंसिटी SI यूनिट में और ग्रेविटी भी SI यूनिट में, तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा? पास्कल. प्रेशर का SI यूनिट क्या होगा? पास्कल. तो देखो यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट्स ऑफ प्रेशर, देर आर वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर, और एग्जाम्स में हमें यूनिट्स को कन्वर्ट ही करना पड़ता है. कोई भी पेपर सेटर हमें सभी यूनिट्स सिंप्लीफाई करके नहीं देते. तो देखो 1 atm प्रेशर का रिलेशन हम सबके साथ देखेंगे. 1 atmospheric प्रेशर अगर हम पास्कल में लेंगे तो इसकी वैल्यू है, अब याद करके रखो, 101325 पास्कल. इसे हम 10^2 में कन्वर्ट करेंगे तो 1.01325 इंटू 10^5 अगेन पास्कल. हेंस 1 atmosphere का वॉल्यूम आप पास्कल में देख रहे हो. इसे हम अगर पास्कल को बार में कन्वर्ट करेंगे और इट बिकम्स 10^5 नहीं रहेगा, 1.01325 बार आ जाएगा. अगर हम इसे किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो इट नाउ बिकम्स 101.325 किलो पास्कल. उसके बाद हम हाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 760 mm ऑफ HG, और 1 mm ऑफ HG इज इक्वल टू 1 tor ऑल्सो, देयर फॉर इट इज 760 tor ऑल्सो. और इसको हम अगर देखेंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ HG ऑल्सो. अगर आप सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करोगे तो इंचेस में आ जाएगा 29.92, इट बिकम्स 29.92 इंचेस ऑफ HG. आपको टायर प्रेशर मालूम है, टायर प्रेशर मोटर व्हीकल का, हमारे टू व्हीलर का टायर का जो प्रेशर होता है, इट इज इन PSI, इट इज इन PSI मीन्स पाउंड्स पर स्क्वेयर इंच, पाउंड्स पर स्क्वेयर इंच. तो 1 atmosphere की वैल्यू PSI में बनती है 14.7 PSI. यार वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर, अगर आप 1 bar को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करोगे, इफ वी हैव टू कन्वर्ट 1 bar प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, नाउ 10.987 एटमॉस्फेयर. आप प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से जान लो, नोट करके लिखो, और जो भी नोट्स आपने बनाए
उसको एक हफ्ते के अंदर फिर एक बार रिवाइज करो, वीडियो को कहानी की तरह मत देखो, सिनेमा की तरह उसे मत देखो, अब पूरा कॉन्सेंट्रेट होके देखो। उसके बाद हम जानेंगे हाउ टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस, हमारा लास्ट पॉइंट है। प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर बाय द गैस पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर ऑफ द गैस, और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर जो हम लेने वाले हैं गैस, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम भी हो सकता है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसका गैस का प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम है मर्क्यूरी मैनोमीटर। मर्क्यूरी मैनोमीटर की सिंपल डायग्राम क्या होती है? एक कंटेनर कंटेनिंग द गैस, एक कंटेनर है और इसके अंदर एक्स गैस है, ये उसको गैस को फिलअप करने के लिए नॉब है। इस गैस कंटेनर को हम एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब से कनेक्ट करेंगे, और ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब उसका एंड ओपन एंड है, ये क्लोज भी आ सकता है। देखो उसका हम टू लिम्स बोलेंगे, ये लॉन्गर लिम्ब है, ये शॉर्टर लिम्ब है। द शॉर्टर लिम्ब इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ऑफ द गैस एंड द लॉन्गर लिम्ब इज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस लिम्ब के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है और छोटे लिम्ब के ऊपर यानी कि छोटे हाथ के ऊपर शॉर्टर आर्म के ऊपर गैस का प्रेशर वर्क कर रहा है। इसमें हमने पार्शियली इस यू ट्यूब को पूरी तरह से हमने मर्क्यूरी से भर के नहीं रखा है, इसमें पार्शियली हमने मर्क्यूरी भर रखी है। तो देखो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल उसको इतना मर्क्यूरी से भर के रखा है। ऐसा नहीं कि हर बार डायग्राम में यही नीचे आ जाएगा, ये यहाँ तक भी हो सकता है, इस लेवल से नीचे भी आ सकता है, इस लेवल से ऊपर भी आ सकता है। अगर इसकी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉलम में लिम में जो मर्क्यूरी है वो इस लेवल से नीचे आ रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, अगर मर्क्यूरी यहाँ से ऊपर जा रहा है इस लेवल से तो गैस का प्रेशर ज़्यादा है। तो हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो गैस का प्रेशर जो होता है, प्रेशर ऑफ गैस इज कैलकुलेटेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस हाइट। हाइट यानी कि डिफरेंस बिटवीन मर्क्यूरी लेवल हाइट, ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ से, ये जो डिफरेंस है इसकी हम हाइट मेजर करेंगे, आइदर इट इज इन मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में। सपोज हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड गैस लिया है, जो भी गैस हो, और ये जो हाइट डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस किस में? तो मर्क्यूरी के लॉन्गर लिम वाले मर्क्यूरी और शॉर्टर लिम वाले मर्क्यूरी, इसमें जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है, सपोज इट इज 250 mm, तो हाइट डिफरेंस आ रहा है हाइट में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मालूम है वो 760 होता है, तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 760 - 250। नाउ इट बिकम्स 510 mm ऑफ अगेन mm ऑफ Hg। अगर फार्मूला हर बार ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला कब काम आएगा? जब मर्क्यूरी लेवल इन द लॉन्गर लिम इज लेस देन मर्क्यूरी लेवल देन शॉर्टर लिम। अगर मर्क्यूरी की लेवल लॉन्गर लिम में इससे ज़्यादा हो, सपोज ये यहाँ तक आ जाएगी, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, सपोज इट इज 300 mm, तो अब इस बार गैस का प्रेशर ज़्यादा है
इसी वजह से तो इसकी हाइट यहां पे ज्यादा आ रही है। तो फॉर्मूला बिकम्स प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट, और इट इज 760 प्लस 300, जो भी आंसर आ जाएगा। दैट सिंपल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज मर्क्यूरी मैनोमीटर। हमने क्या देखा है, हमने देखा है मास द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस, वॉल्यूम द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, एंड द प्रेशर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। आप इसको खुद के नोट्स बनाओ, एक हफ्ते के अंदर एक बार फिर रिवाइज करो। अगले वीडियो में हम देखेंगे टेम्परेचर, डेंसिटी, डिफ्यूजन और द सम न्यूमेरिकल्स या फिर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑल दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, डेफिनेटली अच्छा लग रहा हो, तो आप इसे लाइक भी करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। थैंक यू।